अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम लोग जा रहे हैं स्पेन का वीज़ा लगवाने, बेसिकली शेंजन वीज़ा बट स्पेन के थ्रू। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे किए हैं और अभी थोड़ी देर में हमारी अपॉइंटमेंट है, तो चलते हैं और फिर आप लोगों के साथ दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। और डॉक्यूमेंट होल्डर मैं हूँ। अच्छा यार, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11:40 और हमारा सारा काम हो गया। अंदर हम गए थे अराउंड 11:10 और आधे घंटे में उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए, बायोमेट्रिक्स हुए, तस्वीर ली और डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, पेमेंट की ऑब्वियसली। तो अच्छा है, आधे घंटे में हम फारिग हो गए हैं और पासपोर्ट वगैरह अपने दे दिए हैं। तो अब मेरे ख्याल अराउंड 10-15 दिनों का इनका प्रोसेसिंग टाइम होता है और एड्रेस हमने दिया हुआ है, तो अब देखते हैं कितनी देर में वीज़ा लग के आता है। या अच्छा यार, हम लोग वीज़ा सेंटर के बाद इधर पास ही है नीरो, इधर आए थे तो मैंने कहा कि वाइल वी आर एक्टेड मैं थोड़ा सा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि किस तरह है ये सारा वीज़ा का प्रोसेस। तो बेसिकली अगर आप यूके बीआरपी के साथ यूके के अंदर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो बीएलएस के नाम से ये ट्रैवल एजेंसी कह लो जो ये सारी प्रोसेस को हैंडल करती है, तो इनकी वेबसाइट पे अगर आप लोग जाओ तो वहाँ पे एक ऑप्शन होगी अकाउंट बनाने की, इनके साथ आप लोग साइन अप कर लो और साइन अप करने के बाद एक बहुत ही छोटा सा डॉक्यूमेंट है, बेसिकली एक फॉर्म है जो अराउंड 5 मिनट लगेंगे उसको फिल करने में। उसको ऑनलाइन भी फिल कर सकते हो और अपनी अपॉइंटमेंट के लिए उसको प्रिंट करवा कर दूसरी तरह भी फिल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपने अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, सबसे पहले बेसिकली आपका वही फॉर्म है, उसके साथ साथ आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका यूके बीआरपी, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो नो ऑब्जेक्शन लेटर चाहिए होगा एम्प्लॉई की तरफ से, और अगर आप पढ़ रहे हो तो वही लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से चाहिए होगा। फिर आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करानी है, और जो दो चीज़ें बुकिंग्स की शो करानी है, एक आपकी फ़्लाइट टिकट है और एक आपका जो होटल है जहाँ पर रह रहे होगे उसकी बुकिंग की आपके पास वो कंफर्मेशन लेटर एक होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो है इंश्योरेंस लेटर, वो आप एक सिंगल ट्रिप इंश्योरेंस कर लो या मल्टी ट्रिप अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वही अप्लाई होगी, और वो एक ही होती है पूरे यूरोप के लिए। ये मोर और लेस सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट आपको अकाउंट बनाते वक्त पहले से कोई पेमेंट नहीं करनी, अपॉइंटमेंट जिस दिन आपकी बुक हुई है अपॉइंटमेंट डे वाले दिन पेमेंट उधर ही होगी, और पेमेंट बाय कार्ड एक्सेप्टेबल है तो कैश वाला मसला नहीं है इधर। और टाइम तो शायद मैंने पहले ही बता दिया है कि वो दो कैटेगरीज होती हैं, हमने प्रीमियम वाली करवाई थी उस वजह से हमारा आधे घंटे में सारा प्रोसेस हो गया, जिसमें तस्वीर भी हो गई, बायोमेट्रिक्स हो गए और डॉक्यूमेंट सारे सब हो गए। तो दैट्स मोर लेस। हम लोग वॉक करते करते यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पुरानी थोड़ी सी लंदन की सड़कें इन सेंट्रल लंदन, वहाँ पे आ गए
और वजिया ने फुल दिमाग मेरा ख़राब किया हुआ है और कह रही है कि पता नहीं किधर पता नहीं हम किधर आ गए डॉक्टर जॉनसन के घर। डॉक्टर जॉनसन के घर जाने के ना अंदर पैसे हैं, बेसिकली डॉक्टर जॉनसन मर चुके हैं हमारी अपॉइंटमेंट थी उनके साथ। हाँ सारे कागजात लाए थे बट डॉक्टर जॉनसन ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर जॉनसन ने ना एक बड़ी कमाल बात कही है, तो वो बात आप लोग देखें जरा। ऊपर बात लिखी हुई है बट बोल के बताओ क्या लिखा है। When a man is tired of London, he is tired of life. अच्छा इतनी सीरियस क्यों? Mega relate guys. I love my London life. अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद KFC एंड अप किए हैं और सारी सारी कंफ्यूज हमेशा से, लेकिन अब गरम KFC चिकन और बर्गर बड़ा मज़ा आने लगा है, तो खा के फिर मिलते हैं अगली एडवेंचर पे। डे इज नॉट ओवर येट। हाय गाइस, मुझे नहीं पता है कि हम वीज़ा लगवाते लगवाते स्पेन का लंदन का टूर करने कैसे आ गए हैं, बट अब हम मिलेनियम ब्रिज पे मिलेनियम ब्रिज पे हैं, जो कि अगर आपने कुछ शाहरुख खान की फिल्में देखी हो तो आपको फेमस लगेगा और याद होगा। बट खैर अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो हम आपको थोड़े से इसके व्यूज़ दिखाते हैं। सेंट पॉल्स
तो यार अभी थोड़ी देर पहले घर आ गए थे वापस, और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर इंशाल्लाह अगले में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं। आज माशाल्लाह सिक लीव लेके वीज़े शीज़े अप्लाई हो रहे हैं। I am sick. Sick as shit.